हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप देख रहे हैं, ये करी पत्ता का पेड़ है और ये मैं आपको और भी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। और अभी देखिए, इसमें फ्लावर आया हुआ है। तो ये हैं करी पत्ता के फ्लावर और इसके ऊपर ये मधुमक्खी लगी हुई है। देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। इसके बाद इसमें निम्बोली बनती है और निम्बोली बनने के बाद इसमें बीज बनता है, यानी कि निम्बोली का ही जो पार्ट होता है वो बीज होता है, उसके अंदर की जो गुठली होती है। तो वैसे तो इसका प्रोपेगेशन जो है कटिंग से भी होता है, इसके छोटे छोटे पप्स यानी बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं इसकी रूट्स में से, लेकिन इसका जो एक कॉमन तरीका है प्रोपेगेशन का वो इसका सीड भी है। तो अभी इसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए इसमें फ्लावर खिले हुए हैं और फ्लावर्स भी इसमें अभी से पूरे तरीके से नहीं खिले हैं। तो आप इस पूरे के पूरे पेड़ में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें फ्लावर खिले हुए हैं। ये देखिए, इसकी ये तीन ब्रांचेज हैं मेन और तीनों तरफ ही इसमें इसी तरीके से घने फ्लावर बने हुए हैं। तो करी पत्ता का एक छायादार पेड़ बनता है पूरा। सो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप इसे जब भी करी पत्ता को लगाएं तो आप इसे ज़मीन में लगाएं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तब आप इसे गमले में लगाएं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आप इसके लिए कम से कम 12 इंच का पॉट सिलेक्ट करें। और जो पॉट है इसके लिए आप या तो सीमेंट का लीजिए या फिर मिट्टी का लीजिए, और दोनों ही ऑप्शन अगर आप स्किप करते हैं तो इसके लिए सही रहेगा कि आप प्लास्टिक का पॉट लीजिए। तो पॉट की जो गहराई है वो भी अच्छी होनी चाहिए और चौड़ाई भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी गहरी जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका पूरा पेड़ बनता है। और अगर आप एक छायादार पेड़ बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर में एक ऐसा पेड़ लगा सकते हैं जिसके काफ़ी सारे औषधीय गुण भी होते हैं और किचन में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है, और साथ ही साथ ये प्लांट आपको छाया भी देगा। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। और लस्सी जो होती है, आप जैसे दूध पिलाते हो सवेरे तो उसमें जो घी निकालने के बाद रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जिसे हम छाछ बोलते हैं, खट्टी होती है वो, तो एसिडिक नेचर ये प्लांट पसंद करता है। तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है कि आप इसमें लस्सी मिलाएं और वो इसके लिए एक फर्टिलाइज़र का, एक खाद का काम करती है। तो अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है तो आप अपने प्लांट में ज़रूर दीजिए। तो लस्सी डालने के बाद आपको उसकी अलग ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो देखिए, ये वाला जो पूरा पेड़ बना हुआ है, काफ़ी सारे इसमें फूल आए हुए हैं, बीज आए हुए हैं। मैं आपको करी पत्ता के और भी पेड़ दिखाती हूँ और जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो अभी इवनिंग का टाइम है और ये वाला जो पेड़ है ये उसके कंपैरिजन में छोटा है। और इसमें देखिए जो फ्लावर है वो भी इसमें भी अच्छे से नहीं खिले हैं, कुछ कुछ फूल खिले हुए हैं, कुछ खिलने वाले हैं। तो इसी तरह से इसमें धीरे धीरे सीड्स बनते रहेंगे। इसकी जो है कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसकी ब्रांच ले सकते हैं, कहीं पे भी आपको करी पत्ता की छोटी सी टहनी मिल जाए 7 से 8 इंच 10 इंच की, तो आप वो लगा सकते हैं। देखिए कितनी सारी मधुमक्खियाँ आई हैं इसके फूलों का रस लेने के लिए। और साइड में ये अनार का पेड़ है और इस पे देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। कुछ फ्लावर्स जो हैं इसमें खिल चुके हैं, जैसे कि ये वाला फ्लावर खिला हुआ है, और भी फ्लावर इसमें खिले हुए हैं, और इधर भी इसमें काफ़ी फ्लावर खिले हुए हैं और कुछ जो हैं अभी खिलने वाले हैं। ये इधर ट्रम्पेट वाइन है, तो ये एक बेल होती है, इसमें फ्लावर आते हैं। इसे जैसे एक मिनी प्लांट के रूप में इसे घर पे गमलों में भी लगाया जाता है। तो ये वाला जो है इसमें ऑरेंज रेड कलर का फ्लावर आता है, और इसका भी मैं दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से ये फैली हुई है। तो ये फैलकर बहुत घनी हो जाती है, एक तरीके से जो वॉल डेकोरेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और ये पूरे वॉल पर जो होती है फैल जाती है। तो एक जो वॉल डेकर होता है उसमें आप इस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी वॉल पे फैल जाती है, और काफ़ी सारे इसके जो है पेड़ लगा सकते हैं। इसकी रूट्स डेवलप होती हैं, तो देखिए
इसके रूट से और भी प्लांट बने हुए हैं ट्रम्पेट वाइन के। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये करी पत्ता की रूट से ये नए करी पत्ता के प्लांट बन गए हैं, ये देखिए। और ये इधर इसकी जड़ के पास भी बने हुए हैं। इधर ये देखिए आप, ट्रम्पेट वाइन की ही बेल है तो इसका स्टेम आप देख सकते हैं, और ये जो है पूरी की पूरी इस तरीके से फैल जाती है, और जितना मतलब इसे काटते हैं उतना ही ज़्यादा ये फैलती है। सो काफ़ी अच्छी होती है फ्लोवरिंग में ये, और इसमें फ्लोवर खिल जाते हैं, मैं आपको वो भी वीडियो बना के दिखाऊंगी। ट्रम्पेट वाइन जो है वो एज अ फ्लोवरिंग प्लांट काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए ये वाइट कलर का फ्लोवर कितना प्यारा है, इसमें और भी फ्लोवर्स आए हुए हैं, ये देखिए ये रहे, और दो फ्लोवर यहाँ पर भी खिले हुए हैं, वाइट कलर के काफ़ी सुंदर फ्लोवर हैं ये।